नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि लैपटॉप जो है कौन से सॉफ्टवेयर के लिए किस कॉन्फ़िगरेशन में लेना चाहिए, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बार बार यही पूछते हैं कि बेस्ट लैपटॉप जो है प्राइस में कौन सा मिलेगा। अब देखो मैं आपको जो है एक इकोनॉमिकल लैपटॉप बताऊंगा और एक आपको हाई एंडिंग लैपटॉप बताऊंगा जिसमें कि आप जो है बेसिक सभी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं या फिर जो है आपको एडवांस अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर चलाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि लिनोवो का जो लैपटॉप है वो इकोनॉमिकल रेंज में आता है। अगर आप डेल और एचपी में सेम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर जो है प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उस लेवल के जो है लैपटॉप अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं एक लैपटॉप आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखो लैपटॉप जब भी आप परचेस करो तो ये देखो लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3, गेमिंग वाले जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंटेल कोर प्रोसेसर। ठीक है, इंटेल के प्रोसेसर जो है आपके तीन टाइप के होते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, एक आता है मिड रेंज और जो तीसरी होती है वो हाइपर रेंज होती है। गेमिंग के लिए जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो हम हाइपर रेंज वाले करते हैं। ठीक है, अब इन हाइपर रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपकी रैम कितनी है। यहाँ पर देखो 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है। ठीक है, 512 GB SSD जो है बहुत इनफ हो जाती है, बट अगर आपको जो है हैवी मॉडल्स अगर स्टोर करने हैं तो इसके साथ में आप क्या करो, जब भी आप लैपटॉप परचेज करो उसके साथ में आप जो है एक TB की जो है एक हार्ड डिस्क जो है अटैच करवा लो, वहाँ पर जो है स्पेस होता है। ठीक है, लैपटॉप के अंदर जो है स्पेस मिलता है, जितनी भी SSD वाले लैपटॉप आएंगे ना इनके अंदर जो है आपको स्टार्टिंग में ही आपको स्पेस मिलेगा। ठीक है, अगर आपको जो है बेसिक सॉफ्टवेयर चलाने हैं जैसे कि ऑटो कैड हो गया आपका या फिर CNC सिमुलेटर हो गए, ठीक है, अगर ये चलाना है आपको तो आप आराम से जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में चला सकते हो। ठीक है, ये आपको रेंज यहाँ पर दिखा रहा है आपका 53,030 रुपीज़। ठीक है, 53,000 की रेंज में आपको सबसे बेस्ट लैपटॉप मिल रहा है। इसके अंदर जो है देखो 4 GB का NVIDIA का GTX 1650 का, ये डेडिकेटेड जो है ग्राफिक कार्ड है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप अच्छे हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो डेडिकेटेड जो है ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए। इंटीग्रेटेड वाले जो है वो इसमें जो है दिक्कत करते हैं। अगर आपको जो है एक लंबे टाइम तक जो है लैपटॉप को ऑपरेट करना है तब आप जो है आपको डेडिकेटेड वाले ही ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप परचेज करने हैं। ठीक है, ये GTX में है। ठीक है, एक आपका RTX में भी आता है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड वो भी ले सकते हो। ठीक है, GTX वाला NVIDIA का ग्राफिक कार्ड 4 GB है, ये बहुत सुफिशियंट है, आप आराम से इसको चला सकते हो। अब इसके अंदर देखो जो मेन चीज़ होती है कॉस्टिंग आपकी जो है देखो 53,000 की आ रही है। अगर आपको जो है इसको हाइपर मोड में और जो है इसको एडवांस बनाना है तो आप क्या करो, 8 GB की रैम इसमें मिल रही है, 8+8 GB का जो है इसमें स्लॉट होता है। ठीक है, तो आप जो है 8 GB रैम और बढ़वा सकते हो, 16 GB रैम करवा सकते हो। मुश्किल से मुश्किल जो है 2,500 से 3,000 रुपये में आपकी जो है रैम बढ़ जाएगी। ठीक है, 8 GB रैम जो है आपकी 2,500 से 3,000 रुपये में आपकी लगभग बढ़ जाएगी, तो आपका 16 GB का आपका लैपटॉप हो गया, 512 GB SSD होगी और 4,000 रुपये में आपको जो है 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी, वो हार्ड डिस्क इसके अंदर इंस्टॉल करवा लो तो आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, इस लैपटॉप के अंदर जो है आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें आप सॉलिड वर्क्स यूज़ कर सकते हो, मास्टर कैम यूज़ कर सकते हो, NXCAM, NXCAD सभी सॉफ्टवेयर एक साथ चला सकते हो। ऑटो कैड आपका जो है बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका जो है 8 GB रैम का जो है किसी भी टाइप की प्रोसेसर में चल जाएगा। ठीक है, देखो आपको ध्यान यहाँ रखना है कोर प्रोसेसर के लिए, मैं आपको बताता हूँ कोर प्रोसेसर आपको लेना है। यहाँ पर देखो प्रोसेसर की सबसे इसमें जो है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा इसको। प्रोसेसर को आप देखो 11th जनरेशन प्रोसेसर है, इंटेल कोर i5 1100-3000H, ये जो H लिखा हुआ है इससे पता चल जाता है कि ये जो है हाइपर मोड के लिए है। इसमें आप आराम से जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप आराम से चला सकते हो, जिसके अंदर U होता है या फिर G7 होता है वो वाले जो प्रोसेसर होंगे वो इससे लो लेवल के होते हैं। ठीक है, H जहां पर आ जाएगा
उसमें आप जो है बहुत आराम से आपका जो है लैपटॉप 10 से 12 घंटे तक आराम से इसको चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जा रहा है इसके साथ में, और रैम आप इसमें जो है इंक्रीज़ करा सकते हैं, 16 GB की रैम करवा लो, आप सभी सॉफ्टवेयर को जो है इसमें चला सकते हो। मुश्किल से मुश्किल आपको जो है ये कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है 62 से लेकर 63,000 में पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हो, इसको बाद में कराना चाहते हो, तो अभी जो आपको रेंज मिल रही है 53,000 की है, ठीक है। आप नियरेस्ट जो है लेनोवो की शॉप में जाएंगे, वहां पर आपको जो है और डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ऑनलाइन प्राइस है, ठीक है। तो आप जो है इसको चेक करो जाके लेनोवो की साइट पे जाके, तो वहां पर आपको जो है इसका प्राइस मिल जाएगा। ये लेनोवो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कम रेंज में मिल जा रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है हम डेल के लैपटॉप सर्च करते हैं, देखो, ठीक है। डेल के लैपटॉप जो है सर्च कर लेते हैं, डेल का जो रेंज आएगी आप देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, यहां पर मैं जो जिस प्रोसेसर की बात कर रहा था, इंटेल कोर i5-13-1235U, ये यू वाला जो है ये प्रोसेसर जो है आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको एच वाला प्रोसेसर लेना है, ठीक है। डेल के अंदर आपको एच वाला प्रोसेसर मिलेगा, वो आपको देखना है कि कौन सा प्रोसेसर आपको दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यही सेम प्रोसेसर जो है डेल का, ओके, यस, ये देखिए इस प्रोसेसर की प्राइस रेंज देखिए, डेल का इंस्पिरॉन ये लिया आपने 14, यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए i5-11-320H कोर i5, ये वाला जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर आपके लिए काम करेगा, लेकिन यहां पर प्राइस देखो 73,500 है। अगर डेल के इसमें लोगे आप जाके, तो डेल की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन अगर मैं लिनोवो का आपको सेम चीज दिखाता हूँ, यही प्रोसेसर आपका जो है, यस, दिस वन, ये है आपका लिनोवो का प्राइस, यहां पर देख लीजिए 11-300H, ये है आपका प्रोसेसर, एच वाला प्रोसेसर है। एच सीरीज जो होती है वो हाइपर मोड के लिए होती है। अब यही चीज जो है डेल में हम देखते हैं, ये रैम है आपका, प्रोसेसर भी आपका लगभग 11-320H है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेसर है इसकी प्राइस रेंज यहाँ पर मिल रही है आपको 73,500, और आप अगर लेनोवो में जाते हो तो लेनोवो में आपको प्राइस मिल रही है 53,030, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपको जो है, यही लेनोवो जो है आपको एक बढ़िया, आपको जो है डेल के कंपैरिजन में आप जो है पूरा फुली 16 GB रैम भी डलवा लोगे, हार्ड डिस्क भी डलवा लोगे, सब कुछ हो जाएगा आपका कंप्लीट, तब भी आपका जो है 65,000 की रेंज में आपको जो है कंप्लीट बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आप डेल का लेंगे तो डेल में देखिए, यहाँ पर देखिए आपको बेस प्राइस जो है ये देना पड़ेगा, फिर आपको रैम बढ़वानी है, रैम का प्राइस अलग से देना पड़ेगा, हार्ड डिस्क का प्राइस अलग से देना पड़ेगा, तब जाके जो है ये करीब 85 के लगभग आपका पड़ जाएगा, ठीक है। 85 तक आपका चला जा रहा है ये रेंज, वो 65 में आपका 20,000 रुपये का जो है आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं, आप ये देखिए कि प्रोसेसर आप कौन सा ले रहे हो, ठीक है। अब मिड रेंज में मैं आपको कुछ लैपटॉप बता देता हूँ, अगर आपको सिर्फ ऑटो कैड यूज़ करना है या CNC आपको जो है करना है, तो आप जो है इस टाइप का डेल वॉस्ट्रो है, ये वाला भी अच्छा है, ठीक है। डेल में, डेल की जगह पे आप जो है लेनोवो में जा सकते हो, ठीक है। लेनोवो में आपको कुछ ऐसे लैपटॉप बता देता हूँ जो कि आप परचेस कर सकते हो। हाँ, ये देखिए 8 GB रैम है ये वाला लैपटॉप, ठीक है। आप ये लैपटॉप ले लीजिए, 36,990 का मिलेगा, इसमें आप ऑटोकैड आराम से चला सकते हो। इसके अंदर देखो आपको जो रैम मिल रही है 8 GB रैम मिल रही है, ठीक है। देखिए रैम मेमोरी आपको 8 GB मिल रही है, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, ठीक है। और आपको इसके अंदर जो है 256 की SSD मिल रही है, ठीक है। जो जिनका बजट कम है वो इस लैपटॉप रेंज में जा सकते हैं आसानी से, उनके लिए जो है ये लैपटॉप अच्छा रहेगा लेनोवो का। या फिर आप डेल में जाओगे तो यही रेंज जो है आपको मिलेगी लगभग 40 से 50 हज़ार के लगभग, ठीक है, 40 से 50 हज़ार की रेंज में मिलेगा। लेनोवो का जो है देखो SSD बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रैम इसमें जो है आप 8 GB की जगह 8+8 कर देना, 16 GB रैम कर देना, ठीक है। और प्रोसेसर आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए, प्रोसेसर के बारे में यहाँ पर दिया होता है, हाँ, G4 इंटेल कोर i3
11, ये देखिए G4 प्रोसेसर है, ठीक है। अगर यहाँ पर U होता तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं थी। G सीरीज़ जो होती है आपकी वो गेमिंग सीरीज़ होती है, ठीक है, लेकिन वे बेसिक सी गेमिंग होती है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी, बट ये लेना जब भी लैपटॉप तो ऑफलाइन में जाके लेना, लैपटॉप हमेशा परचेस करना है आपको ऑफलाइन मोड में, और प्रोसेसर ज़रूर चेक करके देखना है, ठीक है। इंटेल के ही प्रोसेसर लेने हैं, राइजन के प्रोसेसर कभी मत लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राइजन के प्रोसेसर जिन स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं उनके जो है थोड़े दिन के बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी स्टार्टिंग में जो है बढ़िया चलेंगे, कोई आपको लगेगा कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन आगे चल के जो है इनमें हैंग होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करिए कि अच्छा लैपटॉप लेना है, बजट में लेना है, इसमें 16 GB रैम कर दोगे तब भी बढ़िया चलेगा, ठीक है। 16 GB रैम अगर आपको करना है तो आप जो हैवी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।